देख रहा हूं कि हमारा ये देश जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको हम अपना हिंदू देश कहते हैं, वहां पर हिंदू कहने में शर्म आती है कई लोगों को, और कई लोग ये सोचते हैं कि हिंदू को कैसे बदल दिया जाए। मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है, मुझे कभी कभी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। कई लोग आते हैं कहते हैं जैन धर्म है, सिख धर्म है, बुद्ध धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है, माय फुट। हिंदू धर्म है और हिंदू हमारा धर्म है। मुझे याद है मेरे पास एक फंक्शन में मोहन भागवत जी बैठे हुए थे। मोहन भागवत जी ने आके कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि हम विजय किस तरह से हासिल करें। मैं चाहूंगा हर शख्स आकर मुझे यहां बताए कि विजय कैसे हासिल की जाती है। मैं भी बैठा था, मुझे बाद में कहा था मुकेश जी आप भी आइए बताइए। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले एक महानुभाव आकर कह गए थे कि जैन धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है। मैं उनके साथ नहीं हूं। हर बड़ा भाई सिख बनता था, बौद्ध धर्म हिंदू से निकला है, जैन धर्म हिंदू से निकला है, क्रिश्चियन हमारे देश में हिंदू से बने हैं, मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट किए गए, तलवार के जोर पर कन्वर्ट किए गए हैं, मिशनरी लाकर हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है। और मैं दुखित हृदय से कहूंगा कि यह हमारे देश के हिंदुओं की कमजोरी है, हरिजनों को दूर किया जाता है, जिसे मिशनरी आकर बोलती है आओ हम तुमको पैसे देते हैं, आप क्रिश्चियन धर्म अपना लो, और वो बेचारे चले जाते हैं और हिंदू धर्म कहता है जाओ जाओ। ये हमारे संत समाज को मैं कहना चाहूंगा। वही बात मैंने मोहन भागवत जी से भी कही थी, मैंने कहा अगर आपको विजय चाहिए, आज विजय की परिभाषा है नंबर्स। जैसे आज दिल्ली में बीजेपी शासन नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास नंबर कम थे, आज कोई शासन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। मैंने कहा मोहन भागवत जी को मैं कहूंगा मुझे नहीं पता क्या करना है, पर कुछ ऐसा करिए कि ये सारे लोग वापस आ जाएं, ये सारे बौद्ध, ये सारे जैन, ये सारे सिख वापस आ जाएं, आपका हिंदू एक पूरे की पूरी मेजोरिटी बन जाएगी। आज मेजोरिटी होते हुए भी माफ करना मैं थोड़ा सा दृष्ट हूं, मुंह फट हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी हमसे सीना तान कर बात करती है और आंखें दिखाकर बात करती है।